जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों साथ ही जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उनका जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 14 तारीख को पहला पेपर है, 14 नवंबर में पहला पेपर है। तो जिनका पहला पेपर है उनके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अपना पेपर अच्छे से करें, बढ़िया से करें। और दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं, आपका पेपर है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो से आपके लिए बहुत हेल्प मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर के बारे में, कि आपको क्या क्या सावधानियां उसमें बरतनी होंगी, क्या क्या ध्यान रखना होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो आप दोगे। और साथ ही बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से जाना है, पूरी जानकारी आज करते हैं पेपर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो दोस्तों पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, जो आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 ही नंबर के हैं। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया। तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हों तो गलत क्वेश्चन ना करें, पहले सही क्वेश्चन करें। और दोस्तों सही क्वेश्चन करें, अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें है। आपके 100 क्वेश्चन होंगे तो गलत आप ज़्यादा ना करें, सही करने की आप कोशिश करें। और दोस्तों साथ ही बात करते हैं, अब आपको जो सावधानी रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की परीक्षा में। तो दोस्तों जैसे आपको जो क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर पर आपको करना होगा, तो जो आप कंप्यूटर पर बैठ के आप क्वेश्चन अपना करोगे तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, कि आपको क्वेश्चन क्या है उसे अच्छे से पढ़ लेना होगा, तभी उसे करना है आपको। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। अगर आप एक बार नहीं समझ पाए तो दोबारा भी उसे पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो उसे हल करने में आपको अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, बोलता कुछ है और अंदर जाके जब पूरा पढ़ते हैं तो उसका आंसर कुछ और निकलता है। इसलिए शुरू में पढ़ के ही उत्तर मत दे दीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और समझिएगा, उसी के बाद उसका जो आंसर है वो आपको टिक करना होगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, जब आप टिक करते हैं तो कभी कभार जब आप दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं तो वो टिक हट जाता है, कंप्यूटर में अक्सर ऐसा होता है। तो आप एक बार गौर दीजिए कि जो आपने टिक किया है वो हटा तो नहीं है, आप इसका भी ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करें, समय ना लें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होगा। जो समय है आपका वो 1.5 घंटे का समय है इस परीक्षा में, तो आपका समय कम होगा। 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो आपको समय थोड़ा बचाना है। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, जल्दी पढ़ें और जल्दी समझकर उसे हल करने की कोशिश करें। और दोस्तों नेक्स्ट है जो कठिन क्वेश्चन होंगे, दोस्तों इसमें कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो कठिन क्वेश्चन है कठिन क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दें बाद के लिए, जो सरल क्वेश्चन है उनको जल्दी से करने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर आप कठिन क्वेश्चन पर करने लगोगे तो आप काफ़ी समय वहाँ बर्बाद कर दोगे, और फिर अगर एक क्वेश्चन में समय लग जाता है तो फिर पूरा पेपर जो आपका है वो बिगड़ने के चांस बन जाते हैं, और जो दिमाग है हमारा वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो सही सही क्वेश्चन है उन्हें जल्दी से करें, और जो कठिन क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दें बाद के लिए, उसमें फिर बाद में हल करें। फिर है दोस्तों क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करें, सही क्वेश्चन ही ठीक करने की कोशिश करें। गलत तुक्का में कोई क्वेश्चन है तो जैसे मान लो तुक्का आप लगा रहे तो गलत हो चांस रहता है गलत होने का, तो तुक्का कम लगाएं, क्योंकि गलत क्वेश्चन होंगे तो आपका नेगेटिव मार्क इसमें है तो काट दिया जाए क्वेश्चन। तो इसलिए गलत क्वेश्चन ना करने की कोशिश करें, सही कोशिश करें कि सही क्वेश्चन को सही किया जाए, ठीक उसका आंसर दिया जाए। फिर है दोस्तों अपना जब आप तो करोगे क्वेश्चन, आप जब कर रहे होगे तो आपका उस पर टाइमिंग चलता रहे, तो समय का थोड़ा ध्यान दें। समय का ध्यान दोगे तो आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा, और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चनों को कोशिश करें, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। तो अपना समय का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, इसलिए समय भी देखते रहें ताकि आपका पेपर छूट ना जाए और पेपर आप पूरा हल कर सकें। और बात नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अपना जो पूरा ध्यान है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो अपना जो पूरा ध्यान है अपनी परीक्षा पर रखें, अपने पे क्वेश्चन पर रखें, अपने क्वेश्चन पढ़ें, आसपास की आवाज़ को इग्नोर करें, सिर्फ अपने ही पेपर में अपना ध्यान रखें, ताकि आपका जो पेपर है वो गलत ना हो, आप किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, आप
अपने पेपर पर ही फोकस करें, अपने क्वेश्चन करने की अच्छे से तैयारी उसकी करें, करते रहें, पढ़ते रहें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते रहें। आप आसपास की आवाज़ या आप आसपास में ध्यान ना दें बिल्कुल, अपने सिर्फ कंप्यूटर पर ध्यान दें, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें और उन्हें ठीक हल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये परीक्षा हॉल में आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी अपने पेपर के दौरान, आपको अच्छे प्रकार से पेपर को पढ़ करके हल करना होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो पेपर है दिल्ली पुलिस का काफ़ी दूर हुआ है, कुछ लड़कों का तो 1,000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर हुआ है, तो उनके लिए आपने रिजर्वेशन कर लिया होगा, कुछ अभ्यर्थी हैं उन्होंने रिजर्वेशन भी किया होगा, कुछ हैं जो बिना रिजर्वेशन के जाएंगे और कुछों का तो रिजर्वेशन कंफर्म सीट हुआ ही नहीं है। तो अपने सावधानी पूर्वक जाएं, अब मौसम है ठंड का, अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहे हैं तो इधर ठंड बढ़ चुकी है, पूरब की तरफ ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आप जब उधर से आएँ तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े लेकर के आएँ, जैकेट गर्म कपड़े इनर वगैरह सब कुछ पहन के आएँ और अपने साथ गर्म चादर भी लेकर आएँ और एक बिछाने के लिए नीचे कुछ कपड़ा ले आएँ, ताकि आप जब आएँ ठंड में आपको किसी प्रकार से ठंड ना लगे, आप ठंड से बच सकें। और यहाँ आने के बाद कोशिश यही करें कि रूम मिलते हैं, अगर आपका जहाँ सेंटर होगा आसपास पता कर लेना, रूम मिलते हैं तो 300-400-500 रुपये तक एक रात के लिए रूम मिल जाता है, तो कोशिश आप यही करें जल्दी से आएँ और रूम आपको मिल जाए। और दोस्तों समय का ज़रूर ध्यान रखें, ट्रेन लेट भी हो जाती हैं तो आप जल्दी आने की कोशिश करें, समय से पहले अपने सेंटर के आसपास आ जाएं, ताकि आपका जो पेपर है वो छूट न सके, क्योंकि आजकल ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं, तो काफ़ी लेट हो जाती हैं, तो इसलिए आप जो एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, वहाँ रूम ले लें, रूम में आराम करें। और दोस्तों पेपर आपका नज़दीक है, आप रिवाइज़ करते रहें, करंट अफेयर पढ़ते रहें, जीके पढ़ते रहें, आप अपने जो तैयारियों से रिवाइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। और दोस्तों करंट अफेयर जो है आपकी 2021 से लेकर के अब तक की आने की संभावना है, क्योंकि ओल्ड जो करंट है उसे भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा 1-2 साल पीछे की भी जो करंट अफेयर है उसे भी पढ़ लें, जिससे आपको परीक्षा हॉल में पेपर में आपको सहायता मिल सकती है। दोस्तों ये तो है दिल्ली पुलिस का पेपर करने से पहले छोटी सी जानकारी, और जो अभ्यर्थी हैं जिनका 14 तारीख को पेपर है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए और अच्छे से पेपर कीजिए और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर दोस्तों अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली भर्तियों के बारे में जो सूचना है वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।